अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं पास्ता। देखिए ये पास्ता है, करी पत्ता है, टमाटर है, गाजर है, हरी मिर्ची है, प्याज है, नमक, मिर्ची, हल्दी, सब मसाले। देखिए यहाँ पे गर्म हो चुका है, अदरक लहसुन भी ऐड करेंगे अपन इसमें। इसको हम उबाल के फिर 10 मिनट पका लेंगे, फिर उसके बाद बताएं। देखिए गैस 10 मिनट हो चुके हैं, उसको हम पानी में से निकाल लेंगे। देखिए एक उबाल आ चुका है इसमें अच्छे से। देखिए गैस पानी में से निकाल लिया है, अब बनाएंगे हम। देखिए गैस मैं यही कढ़ी में बना लूँगी, इसमें मैं प्लेट में निकाल लिया है, अब बनाऊंगी इसमें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें तेल ऐड करेंगे अपन। इसमें इसमें थोड़ी जीरा राय ऐड करेंगे, देखिए इस बार आए हैं, थोड़ा जीरा ऐड करेंगे इसमें। देखिए इसको अच्छे से भून लेना प्याज और टमाटर, इसको इसमें ऐड करेंगे अपन करी पत्ता। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हरी मिर्ची, देखिए इसमें थोड़ा सा अपन क्या है सोया सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। फिर इसमें अपन ग्रीन चिल्ली का सॉस थोड़ा ऐड करेंगे। टमाटो केचप थोड़ा ऐड करेंगे। टमाटो केचप थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। देखिए मिक्स करेंगे, टमाटर डालो इसके अंदर,
नहीं डालो, तुम डालो ना तो पकड़ो। देखिए इसमें टमाटर ऐड करेंगे अपन, टमाटर अच्छे से भून लें। देखिए गाइस इसमें अपन गाजर ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी हल्दी नमक डालें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे इसमें नमक, देखिए गाइस 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। थोड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें, थोड़ी हरी मिर्च डाल के बताना पड़ा, थोड़ी काली मिर्ची ऐड करें इसमें, थोड़ा गर्म काली मिर्च तेज हो जाता जिनक को डालो, थोड़ा मसाला ऐड करेंगे, देखिए ये ठीक है। इसमें अपन मैक्रोन ऐड करेंगे और पास्ता, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना इसमें। देखिए हमारा पास्ता रेडी हो चुका है अच्छे से, निकाल दे कर लें। देखिए गैस हमारा पास्ता रेडी हो चुका है, रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताना। गैस मिलती हूँ दूसरे दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।